माँ गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा, ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने माँ की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि माँ तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहाँ रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक माँ को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो, उस माँ के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, इसे कहानी मत समझना, ये घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है, ध्यान रखिए। गांव के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, ले माँ तू शहर चले जा। जैसे ही शहर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्लेटफार्म से बाहर गई, ऑटो रिक्शे वाले को बोली इस डॉक्टर को जानते हो? अरे, रिक्शे वाले ने कहा बूढ़ी अम्मा कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। बहुत बड़ा डॉक्टर? छाती फूल गई उस माँ की, मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले चलो, बिठाया रिक्शे पर ले गया। माँ ने अपनी पोटली में से पुराना नोट निकाला, रिक्शे वाले ने कहा नहीं कोई बात नहीं माँ जी, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू रख, एक दिन पुण्य का काम मुझे भी करने दे। माँ ने बहुत समझाया, ले ले बेटा पैसा, मेरे पास क्या कमी है, मुझे मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी कोठी। आंखें फटी की फटी रह गई उस माँ की। रिक्शे वाला चला गया प्रणाम करके, बेल बजाई, बेटा ने दरवाजा खोला, उसने कहा माँ तू ये फटे पुराने कपड़ों में? बोले तू मेरा बेटा? देख माँ कितनी बड़ी कोठी बना ली मैंने, कितना बड़ा अस्पताल है मेरा। माँ के आंचल से दूध छलक आया, उसने कहा बेटा हाँ जी माँ धन्य हो गई, तूने मेरी मेहनत सार्थक और सफल कर दी। आज मैं सब भूल गई कि मैंने एक दूसरों के कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। भीतर से एक डॉक्टर और निकली, माँ ने पूछा ये कौन है? बोले माँ ये तेरी बहू है, शादी भी हो गई। बोले कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, हम तुझे खबर नहीं दे पाए। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, ये माँ का दुआएं तुझे है। कैसे आई माँ? 3 महीने से बीमार हूं बेटा, कोई इलाज नहीं हो रहा मेरा, गांव में अकेली पड़ी हूं, गांव वालों ने मुझे तेरे पास भेजा है। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा इलाज करूंगा। अस्पताल में एडमिट कराया, 7 दिन तक इलाज हुआ, 8वें दिन माँ सही हो गई। बेटे ने कहा माँ देख मैंने तुझे सही कर दिया। बेटे के सिर पर हाथ रखा, मेरे बच्चे बस यही दिन मैं देखना चाहती थी। बेटे ने कहा माँ तब तू पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, अभी काम कर तू गांव वापस चली जा। माँ ने देखा कि गांव वापस चली जा। बेटे ने कहा माँ देख ये शहर का मामला है, तू बूढ़ी हो गई है, हमारे पास कहाँ टाइम रखा है, तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, यहाँ कहाँ रहेगी, गांव में तेरा मन लगेगा, जा माँ तू गांव वापस चली जा और जब बीमार हो जाए तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। माँ की जुबान बंद हो गई, सोच रही थी बेटे के साथ जीवन गुजरेगा। बेटा कहता है माँ तू आज अपने गांव चली जा। माँ की आंखें फटी की फटी। माँ ने कहा ठीक है बेटा तू खुश रह। जाने लगी गांव में, बेटे ने कहा कि ठहरो माँ एक काम तो करते जाओ। बोले क्या है? अपने जेब के कोट की जेब में हाथ डाला, माँ सोच रही थी कुछ पैसा देगा, एक कागज का टुकड़ा निकाला,
और कहा, माँ 7 दिन तू अस्पताल में रही, उसका बिल चाहिए मुझे, और तुझे जो मैंने दवाई खिलाई उस दवाई का ये पर्चा है, डॉक्टर की फीस है, तुझे दूध पिलाया उसका ये कर्जा है, माँ जाने से पहले ये बिल चुका के जाना। माँ एक हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है और सामने खड़ा दिल का टुकड़ा देखती है। माँ सोचती है कि गांव वालों ये दिन दिखाने से पहले मुझे वहीं तड़प करके मर जाने देते, धरती तू फट जा तो मेरे अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो। वह देखती है क्या इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है कि अपना बेटा ही अपनी दवाई का बिल हमसे मांग सकता है, ऐसा घोर कलयुग। ये बेटा कह रहा है दवाई का बिल चुका, ये बेटा कह रहा है दूध का बिल चुका, आंखें पथरा गई उसकी, शब्द मौन है, कंठ रुंध गए उस माँ के। उस माँ ने थोड़ी देर अपने आप को संभाला, सीने पर बहुत दर्द पैदा हुआ, जो दर्द शायद इसे जन्म देने में भी महसूस ना हुआ होगा। अपनी ही औलाद जब उपेक्षा कर दे, झर झर आंसू उस माँ की आंखों से, उस माँ ने छाती में ढांढस बांधते हुए कहा, बेटा जो माँ तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती है, इस माँ में इतनी ताकत है कि तेरा बिल भी चुका सकती है। ध्यान रख, एक बात याद रख बेटा, कुछ दिन की मोहलत दे दे, मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तक तेरा बिल ना चुका दूंगी, इस तन से सांस नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रख, मैं तेरी माँ हूँ और तूने बिल मांगा है तो जरूर बिल चुकाऊंगी। बाहरे नपुंसक औलाद, अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अपनी माँ से कहते हो कि हमने दूध पिलाया उसका बिल दे दे, हमने फल फ्रूट्स खिलाए उसका बिल दे दे। धन्य थी वो देवी माँ। अरे माँ यदि अपने बेटे से कह देती कि बेटा तूने तो 7 दिन अस्पताल में रखा, मैंने 9 महीने कोख में रखा, उस बात का मुझे बिल चाहिए। है किसी औलाद के पास इतनी दौलत, तूने मुझे 1 गिलास गाय का दूध पिलाया, लेकिन मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया, उसका बिल चाहिए। मैंने तेरे गंदे कपड़े साफ किए, उस बात का मुझे बिल चाहिए। और माँ यदि कह देती कि मैंने तेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है, मुझे उन रातों का बिल चाहिए। बोलिए, मैंने तेरे लिए कितने दिन भूखी रहकर गुजारे हैं, उस एक एक रोटी का मुझे बिल चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, कितनी भी दौलत कमा लेना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, लेकिन बाजार में माँ का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लीजिए, अरे किसी के खजाने में इतनी दौलत नहीं कि माँ के दूध का कर्ज उतार सके। एक बात ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दिया जाए तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। माँ तो माँ होती है मान्यवर, माँ तो वो होती है कि 7 जन्म तक अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या हो गए मेरे देश की हालात, क्या हो गई सभ्यता, क्या हो गई संस्कृति, ये सब ढोंग है तुम्हारा पूजा पाठ मंदिर, यदि तुमने अपने घर में गर्भपात किया है। ध्यान रखिए, इन डॉक्टरों से कहूंगा, ये खून की कमाई से डल्लप का गद्दा तो मिलेगा लेकिन तुमको नींद नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, रात करवट बदलते जाएगी, खून की कमाई से अनाज का ढेर तो लगा लोगे, भूख को तरसते रहोगे, खून की कमाई से पानी तो मिलेगा लेकिन प्यास नहीं मिलेगी, और खून की कमाई से औलाद तो मिलेगी लेकिन बुढ़ापे में वो भी तुम्हें धक्के मार कर किसी वृद्धाश्रम में भेज देगी। ध्यान रखिए, मेरे देश में कहा गया है खून पसीने की खाना, लेकिन खून की कमाई खाना ये मेरा देश नहीं कहा करता है। ध्यान रखिए, जो लोग गर्भपात कराते हैं उनके घर में जिंदगी भर का सूतक लगना चाहिए। गर्भपात कराने वाली को संतों को आहार देने का कोई हक नहीं हुआ करता है, गर्भपात करने वालों को इंद्रिंद्राणी बनने का हक नहीं होता है,
भगवान का पूजन अभिषेक करने का भी इनको हक नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा पाप है। आज एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, महाजन कौम की बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन तुम देख रहे हो उनकी आबरुआ लूटी जाती हैं, उनके साथ खिलवाड़ हुआ करता है, उनकी अस्मिता लूटी जाती है, और पूरे हिंदुस्तान में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सुनियोजित तरीके से, हमारी भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का दुष्प्रयास चल रहा है, हमारी परंपराओं को छीना जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्थाओं को छीना जा रहा है, और ये बेटियां गोरी चमड़ी और अच्छे स्मार्ट शकल देख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया करती। मत करिए ऐसा, ध्यान रखिए, साल दो साल में क्या फेसबुक से दोस्त बन जाता है, क्या रास्ते में दोस्त बन जाता है, एक साल के प्यार में 26 साल के प्यार को ठुकरा कर बेटी भाग जाया करती है। जिस माँ बाप ने बड़ा किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने इतने एहसान किए हैं तुम्हारे ऊपर, अपने अरमानों का गला काट करके तुम्हारी जिंदगी को बनाना जिस माँ बाप का सपना रहा है, जिस माँ बाप ने तुम्हें इज्जत की जिंदगी दी है, आज उस माँ बाप का सिर झुकाकर समाज में तुम चंद दोस्तों के साथ भाग जाया करती हो। ध्यान रखिए, ये कैसा तुम्हारा जीवन है। मान्यवर, निवेदन है मेरा आपसे, वो स्थिति होती है ऐसी बेटियों की कि यहां से हमारी समाज की बेटियों को ले जाया जाता है, उनका दैहिक शोषण होता है, वो जब जी भर जाता है कामुकता की मंडी में उन्हें बेच दिया जाता है। ध्यान रखना, वो बेटी जो भाग करके गई है वो दोबारा कैसा जीवन जिएगी, दोबारा समाज क्या उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या परिवार उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या कोई लड़का ऐसा है जो भागी हुई लड़की से शादी करने की ताकत रखता हो, कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना, उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, फिर वो आत्महत्या कर लेती है या कामुकता की मंडी में जाकर व्यवसाय और देह का धंधा प्रारंभ कर दिया करती है। मान्यवर, सावधान हो जाए हमारी बेटियां, एक बात याद रखना, इज्जतदार घर की लड़की अपने मुंह से पति नहीं मांगा करती है, जो बाप दे देते हैं उसे स्वीकार कर लिया करती हैं। ध्यान रखिए, अपने मुंह से अपना पति मांगते हो, ये कैसा चरित्र है हमारा। अरे हम तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं, हम उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहां पिता यदि कोड़ी से भी शादी कर दे तो मेरे समाज की बेटी कोढ़ी श्रीपाल को भी अपना भाग्य समझ के स्वीकार करती है, और वह कहती है यदि मेरा भाग्य सही होगा इस कोड़ी को भी कंचन सी देह में परिवर्तित कर दूंगी। ध्यान रखना, ये हमारी आदर्श हैं, ये रारिया मैना सुंदरी हमारे देश की आदर्श है, समाज की आदर्श हैं। इन्होंने अपने मुंह से पति नहीं मांगा, पति ने, पिता ने कहा बोल बेटी कैसा पति चाहिए, बोल बेटी कैसा पति चाहिए, उसने कहा जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरा पति होगा।